वीडियो में देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले वाले में इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था। अब सेम क्वेश्चन, यू स्टार्टेड योर बिजनेस विद 10,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2000, 31/12/2000, ऑन 31 डिसंबर 2000, टेल मी व्हाट विल योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लुक लाइक इन केस दिस हैज हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर। फर्स्ट जनवरी से लेके, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 डिसंबर, दिस हैज हैपेंड, हाउ विल द बैलेंस शीट लुक लाइक, टेल मी। लेट्स सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन, स्लाइट डिफरेंस। इन दिस केस क्रेडिट सेल्स का एलिमेंट आ गया, तो 3,000 की क्रेडिट सेल्स है, बाकी 9,000 रुपए की कैश सेल्स थी, है ना। लेट्स सॉल्व दिस, साइलेंट साइलेंट एवरीवन। माय क्वेश्चन इज 31 डिसंबर 2000 को हाउ वुड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लुक लाइक। यू स्टार्टेड विथ कैश 10K, यू स्टार्टेड विथ इक्विटी 10K, व्हाट वुड हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। परचेजेस है 10,000 रुपए की, परचेजेस है 10,000 रुपए की, हाउ वुड थिंग्स लुक लाइक। दिस इज एन एक्सपेंस, सो लेस परचेज 10K, हाँ या ना। लेस परचेज 10K करेक्ट, एंड लेस 10K कैश परचेज, ये था ओपनिंग बैलेंस। ओके, सेल्स हुआ 12,000 रुपए का, सेल्स हुआ 12,000 रुपए का, आई से प्लस सेल्स 12,000, सेल्स 12,000, और इसमें से कैश सेल्स है 9,000 का, तो कैश सेल्स 9,000, कैश गल्ले में ऐड हो गया। मेरे गल्ले में 10,000 रुपए पड़े थे, मैंने परचेज किया माल, तो 10,000 रुपए दे दिए थे, गल्ला खाली हो गया था, देयर वाज नो नथिंग इन माय कैश टिल, एंड देन आई सोल्ड गुड्स वर्थ ₹9K, नाउ माय कैश टिल सेज 9,000। मेरे पास गल्ले में 9,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है, और 3,000 रुपए मेरी लेनदारी भी है मार्केट से। आई एम सपोज टू रिसीव दिस फ्रॉम द मार्केट, यस नो, हाँ या ना। Yes. अब एक बार इसकी इंटरप्रिटेशन बोलना, ये क्या है क्रेडिट सेल्स, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, पैसे को छोड़ो, मैंने टोटल माल बेचा 12,000 का, 9,000 रुपए कैश ले लिए, 3,000 रुपए अभी भी लेना बाकी है, 3,000 रुपए अभी भी लेना बाकी है, सुनना। मैंने 9,000 का माल बेचा, 9,000 का कैश ले लिया, अब 3,000 की बात कर रहा हूं, मैंने 3,000 का माल दिया और उससे पैसे नहीं लिए, इसकी इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूं, मैंने अपने पैसे से दूसरे का धंधा फंड किया हुआ है 1 साल, हाँ या ना। Yes. माल किसका था, मेरा। अच्छा, इसको जो माल बेचा है ये आया कहां से है, ये जो माल बेचा है 3,000 का आया कहां से, यही वाला है ना, ये जो माल खरीदा था 10,000 की परचेज वो थी कैश में, तो मैं एडिडास गया, मैं कैश में माल खरीद के लाया, मैं होलसेलर, आई वेंट टू एडिडास, आई गेव एम 10K, ही गेव मी फुटवेयर गुड्स इन्वेंट्री, लेके आ गया मैं अपने दुकान पे। अब मैं गया मार्केट में बेचने के लिए, व्हेन आई वेंट टू अ रिटेलर आई टोल्ड हिम दैट ओके दिस इज द लेटेस्ट क्वालिटी, मतलब दिस इज द लेटेस्ट आर्टिकल, गुड क्वालिटी दिस दैट, आई विल ऑफर यू गुड प्राइस, ही सेज ओके, मैं ले तो लेता तेरे से, सब कुछ सही है, एडिडास रखता भी हूँ मैं अपनी दुकान पे, लेकिन तेरे से लूंगा नहीं। मैंने कहा क्यों, कह रहा मैं ऑलरेडी माल ले रहा हूँ तुम्हारे पास, मतलब तुम जिस ट्रेड में घुसे हो इसमें जो पुराने लोग बैठे, मैं उनसे माल ले रहा हूँ, तो मैं किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से यही माल लेता हूँ, आई हैव माई रिलेशनशिप्स विद देम। मैंने कहा रिलेशनशिप मुझसे बना ले। मैंने कहा कितने दिन की उधार मिलती है, कह रहा नहीं मैं तो मतलब मैं राइट अवे पैसे दे देता हूँ, आई डोंट गेट एनी क्रेडिट, ही गिव्स मी द गुड्स, आई पे हिम, आई एम लाइक फिर उससे क्यों ले रहा है, ये कैसा रिलेशन है, तू मुझसे माल ले, पैसे अगले महीने दे दो। नाउ ही माइट बी इंटरेस्टेड कि यार पैसे भी देने नहीं पड़ रहे हैं, इसका माल रख लेता हूँ, वो बेच दूंगा रिटेलर, मेरी दुकान पे तो सब कुछ कैश में बिक रहा है, ही विल डंप गुड्स इन माई प्लेस, है ना, मैं होलसेलर, मैं उसकी दुकान में माल भर के दूंगा, वो क्या करेगा, वो कैश में माल बेचेगा, उसके गल्ले में पैसे आएंगे, उसके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, उसके पेटीएम के खाते में पैसे आएंगे, हाँ या ना। यस वो पैसे हैं मेरे, आ रहे हैं उसके अकाउंट में, जन्नत, यस नो, बढ़िया है ना। अच्छा, ऑल्टरनेट, मतलब मेरे पास और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है अपना धंधा बढ़ाने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपने मार्जिन कम करूंगा, या तो
क्रेडिट इंक्रीज करूंगा, यही तो दो ऑप्शन है मेरे पास धंधा इंक्रीज करने के लिए। मैं उसे बोलूंगा तुझे कितने में मिलता है माल, वो बोलेगा मुझे यही जूता वो 800 का देके जाता है, मैं बोलूंगा मैं 750 का देता हूँ, बोलेगा वो मुझे अपफ्रंट पैसे देने पड़ते हैं, मैं बोलूंगा मैं तुझे 1 महीने की उधार दे रहा हूँ, तो कम रेट पे उधारी भी दे रहा हूँ, अब मेरा माल रख उससे मत खरीद, तो मैं उसकी मार्केट काटूंगा ना। हाँ या ना, ये कॉन्सेप्चुअली समझ आना जरूरी है आपको, ये बुक्स में ARAP डेटर क्रेडिटर जर्नल एंट्री से खास किसी का भला नहीं हुआ, मुनीम की नौकरी नहीं मिलती है, लिखवा के ले लो मुझसे, ठीक है। यू हैड पेड फॉर योर एनालिसिस, ठीक है, बोला क्या हमने अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ लिखा हुआ हो अगर, मतलब इन दिस केस 3000 विल बी अकाउंट्स रिसीवेबल, दिस कैश परचेज इज माइनस, दिस कैश सेल्स इज प्लस, व्हाट विल हैपन, यू विल से लेट्स से कि माल आपने जब दिया, तो लेट्स से यू आर द मीडिएटर और आपने ये माल बेचा किसी, लेट्स से अजियो को, अजियो के प्लेटफॉर्म पे बेच दिया आपने माल, ठीक है ना, तो 3000 रुपए अजियो से लेने रहते हैं आपके, तो व्हाट इज योर कैश, 10 माइनस 10 प्लस 9, दिस इज 9K, दिस इज 3K, दिस इज 12K, दिस इज 12K, दिस इज 12K, दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट वुड लुक लाइक, दिस इज वेयर माई थ्रस्ट इज, वॉट इज दिस पीस, दिस पीस इज अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल एज पर यूएस बुक्स, एज पर योर लविंग टी एस गरेवाल अकाउंटिंग बुक्स, दे कॉल इट डेटर्स। सर एक बात बताओ, हमारी बुक्स में सन्ड्री डेटर्स लिखे रहते थे, वो सन्ड्री क्या होता है, क्या होता है सेंट्री डेटर? कोई पता ही नहीं। हाँ सही में नहीं पता तुम लोगों को, सारे के सारे, मतलब अब एक अजियो को बेचा है, किसी को बेचा है, किसी को बेचा, सबका नाम अलग अलग नहीं करके एक सिंगल नाम रख दिया और उसको बोल दिया सेंट्री डेटर्स, और सेंट्री डेटर्स की एक लिस्ट बनाई जाती है कि इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है ना, तुम्हें नहीं पता था सेंट्री मतलब? अरे छप, बहुत सही टैलेंट। डन, अकाउंट्स पेबल आपको देख के समझ आना चाहिए, दूसरे का पैसा मेरे धंधे में लगा हुआ है, आपको प्यार आना चाहिए उनको, ठीक है ना, कोई दूसरा आपको पैसे दे रहा है आपके धंधे में, अकाउंट्स रिसीवेबल आपको दिखना चाहिए कि भाई, मतलब आप, मतलब यू शुड फील द इंट्यूशन दैट माई फंड्स इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस। 11th 12th में इंट्यूशन ही उल्टा था, अगर था भी तो, मोस्ट केस में तो था ही नहीं, था भी तो इंट्यूशन उल्टा था, हमको लगता था डेटर तो बढ़िया है लेना है और क्रेडिटर बढ़िया है देना, ये कैसा बढ़िया है भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम सब हमारे मेरे धंधे में डेटर हो कि क्रेडिटर हो, डेटर हो कि क्रेडिटर हो? हाँ डेटर हो कि क्रेडिटर हो? क्रेडिटर। तुम्हारा पैसा मेरे धंधे में लगा हुआ है, फीस जमा करा के बैठे हो, अगले 6 महीने सर्विस लोगे, हाँ या ना, इसीलिए तो तुम्हारी बुक्स में क्या हूं मैं, तुम्हारी बुक्स में क्या हूं, तुम्हें लग रहा था मैं अपनी बुक, बहुत बढ़िया सुनना, यू पेड मी एडवांसेस, यू पेड मी एडवांसेस इन योर बुक्स, व्हाट हैव यू डन इन योर बुक्स, व्हाट हैव यू डन। अच्छा एक बार मेरी बुक्स की बात करते हैं, ओके इनफैक्ट एक काम करो अभी के लिए छोड़ो, एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें एक एडटेक का मॉडल दिखाऊंगा, ठीक है, अमेजोन ये वो सबके मॉडल अभी देखेंगे, यहां तक के डन है, इसका Case 3 बनाना, इसका Case 3 बनाओ, इसका Case 3 बनाओ जिसमें Case 1 Case 2 को कंबाइन कर दो,